अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फाहद हुसैन और यह रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। जनरल फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। फैजयाब होने वाले पीटीआई के खिलाफ भी घेरा मजीद तंग होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत भी अपनी बात पर कायम। क्या मौलाना फजल रहमान मार्च का आखिरी कार्ड खेलेंगे? और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी, हुकूमत हाथ नहीं पकड़ा रही। पीटीआई के बड़े मुतालबात, मुज़ाकरात आखिर किस नुक्ते पर होंगे? नाज़रीन, तमाम मामलों पर जरा बात करेंगे, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की एक वजह शोहरत यह है कि वो आईएसआई के साबिक सरबराह हैं। उनकी दूसरी वजह शोहरत उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन बानी पीटीआई के करीब होना समझा जाता है। फैज हमीद के खिलाफ इस साल 12 अगस्त को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। 4 माह से मुसलसल कहीं ना कहीं से ये खबरें आ रही थी कि फैज हमीद बहुत कुछ तस्लीम करने जा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं असर बानी पीटीआई की मुस्तकबिल की सियासत पर होगा। आज आईएसपीआर की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज ने इसकी तस्दीक कर दी, जिसके मुताबिक कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज हमीद को बाजाबता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। इस चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। आईएसपीआर का यह भी कहना है कि कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी जारी है, जिनमें पुरतशद्दुद बदअमनी समेत 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाकयात में सियासी अनासिर और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 9 मई 2023 को पाकिस्तानी सियासत के लिए एक बहुत ही तारीख और अफसोसनाक दिन था, जब बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी पार्टी के कारकुन और रहनुमा जो है वो मुश्तइल होकर सड़कों पर निकल आए। न सिर्फ सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया बल्कि GHQ लाहौर में कोर कमांडर हाउस समेत मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अस्करी तनसीबात और शहदा के मुजस्मों पर हमले भी किए और तोड़फोड़ भी की। नाज़रीन, ये सब बहुत संगीन वाकयात और इल्ज़ामात हैं जिनकी बुनियाद पर आज चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। माजी में फैज हमीद पर टॉप सिटी केस में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगा। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने बराहे रास्त फैज हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले फैज हमीद फैजाबाद में धरने में सहूलतकारी के इल्ज़ाम पे भी मुलव्वस रहे, उन पर इल्ज़ाम भी लगता रहा। तहरीक लब्बैक के नवंबर 2017 फैजाबाद इंटरचेंज पर जो धरना था, जो कि 20 दिन जारी रहा, इसके खात्मे में भी फैज हमीद का किरदार अहम था। यह धरना मुजाहिरीन के मुतालबात मानने और वजीर कानून के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ। फैज हमीद का माजी तनाजात और इल्ज़ाम से भरा पड़ा है। वो इस वक्त भी तनकीद का निशाना बने, जब अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया और उसी दौरान फैज हमीद की दौरे काबुल के वक्त एक चाय पीते हुए तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जब उन्होंने ये भी कहा था कि ऑल इज़ वेल। 2018 के आम इंतखाबात में भी इन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुकम्मल सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा। आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद इमरान खान हुकूमत ने फैज हमीद को खुफिया एजेंसी आईएसआई का सरबराह जो है वो 2019 में मुकरर किया। बतौर आईएसआई के सरबराह फैज हमीद पीटीआई के बहुत करीब समझे जाते थे, उन पर पीटीआई के सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम था। 2017 और 2018 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी और पेमरा के चेयरमैन अफसार आलम ने भी उन पर मुदाखलत के इल्ज़ाम आयद किए थे। नाज़रीन, इस फैसले का एक सियासी पहलू भी है। कुछ हल्के इस खबर को पीटीआई के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। जैसे ही ऐलामिया सामने आया तो फैसल वाडा ने कहा कि जब फैज हमीद को चार्जशीट किया गया तो बानी पीटीआई कैसे बचेंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब है हमारे सपा सलार, तो वो उन्होंने एक पाकिस्तान में एक नया नॉर्म पैदा करके दिया है 75 साल की हिस्ट्री के बाद के ताकतवर का एहतसाब वैसे ही हो रहा है जैसे एक आम आदमी का हो रहा है। और 9 मई के वाकयात के अंदर जब ट्रायल है फैज हमीद साहब को चार्जशीट किया गया है, तो आप नहीं समझते कि उसी के अंदर इमरान खान साहब को कैसे बरी जिम्मा करार दे दिया जाएगा, जब फैज हमीद ने उनके शवाहिद भी दे दिए, उनके ऊपर शहादतें भी दे दी है, उनके ऊपर गवाही भी दे दी है और सबूत भी दे दिए।
सियासी हलकों में यह भी बात गर्दिश कर रही है कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किल में मजीद इजाफा होगा। इस कोर्ट मार्शल की ज्यादा अहमियत इसकी भी है कि इसके ताने बाने कहीं ना कहीं बानी पीटीआई से जा मिलते हैं। आज की चार्जशीट के तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक, हुकूमत से मुमकिन मुजाकरात और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो बाकायदा तौर पर जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं जनरल फैज हमीद के ऊपर, इनका क्या मतलब है और ये जो प्रेस रिलीज में जो कुछ लिखा गया है उसके पीछे कौन सी वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में मंजर आम पे आएंगी। मुझे दो बहुत ही मोहतरम मेहमान ज्वाइन करें, जनाब हाफिज एहसान अहमद साहब कानूनी माहिर हैं वो हम ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर कमर चीमा साहब दिफाई तर्जिया के आ रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान साहब, अगर मैं बात आपसे शुरू करूँ, मैं ये जो प्रेस रिलीज देख बड़े गौर से इसको मैंने देखा है और इसमें तीन चार मुख्तलिफ जो चार्जेज हैं वो बड़ी स्पेसिफिकली सामने आए हैं, यानी कि उसमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑब्वियसली ये हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये कहाँ से जुड़ेगा जाके। उसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है ये भी बड़ा सीरियस चार्ज है, और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये भी जाहिर बात है किसी एक स्पेसिफिक इशू पे जाके जुड़ेगा। और फिर एंड में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो उसका पॉलिटिकल एंगल है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि 9 मई से जोड़ा गया और ये कहते हैं कि उन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत। सो इसेंशली हाफिज साहब, इन दो एलिमेंट्स हैं, एक फैज हमीद साहब पर खुद डायरेक्टली आ रहा है और एक जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो कि किसी भी तरीके से अलाइंड थे उनके साथ, ये जो पहला वाला है जो उनकी जात पे डायरेक्टली आ रहा है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये चार्जेस तभी फाइल हुए हैं जब तमाम तर एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है, सबूत जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स के पास हैं, और अब इन चार्जेस के ऊपर उन सबूत और उन एविडेंस के रोशनी में जो है वो बहुत हद तक कन्विक्शन के इम्कान हैं, ये तशरी ठीक होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमान फहद, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज की प्रेस रिलीज के अंदर दो एरियाज पे बात की गई है, और दो एरियाज में से जो एक एरिया है जिसके मुतालिक आज चार्जशीट फ्रेम की गई है वो ये मैटर है कि जब फॉर्मर DGISI ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी का मिसयूज़ किया, एक्सीड ऑफ अथॉरिटी, एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन किया, और उससे उन्होंने पर्सनल गेम्स जो हैं वो हासिल किए, और ये जो प्रोसेस था ये इनिशिएट किया गया था। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर के अंदर जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब फैज़ाबाद वाला धरना मामला था तो उसके अंदर जो एक सोसाइटी के आपके ओनर है उन्होंने वहाँ के ऊपर एक एप्लीकेशन दी थी, और उस एप्लीकेशन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फॉरवर्ड किया था, और उसके ऊपर एक मेजर जनरल जो थे उनको इंक्वायरी ऑफिसर किया, और उसके अंदर जो आपके पास एविडेंस आई तो उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो सेक्शन 73 है पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 का, उसके अंदर उन्हें कस्टडी के अंदर लिया गया, और उस कस्टडी के बाद जो है जो आज वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है सेक्शन 105 से लेके 118 तक, और अगर उन्हें इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें उनके खिलाफ साबित हो जाती हैं जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है या एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो उनको सजा जो है वो 2 साल से पाकिस्तान का जो आर्मी एक्ट है 2 साल से लेके जो है वो डेथ सेंटेंस तक दी जा सकती है। सब थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा इसमें, जो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जो तीन चीज़ें मेरे सामने हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, इनमें से सबसे ज़्यादा सीरियस चार्ज कौन सा है? अच्छा फाद, एक तो ये है कि जो तीनों चार्ज हैं उसके अंदर हैं कि यानी कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन, या उसके बाद ये है कि आपने एक्सीड ऑफ अथॉरिटी की, और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट के अंदर अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो दे आर द सीरियस ऑफेंसेज। अब उसके अंदर ये है कि जो सेकंड फेज जिसके अंदर है वो है अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो नाइन्थ मई का इंसिडेंट है, अगर उस 9 मई के इंसिडेंट के अंदर जो अगर इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर और एविडेंस आ जाती, क्योंकि जो पहला एक्शन आज हुआ है वो उनका इंडिविजुअल एक्ट था, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया, एक डायरेक्शन दी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद जो है एक जो रेगुलर प्रोसेस है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का उसको इन्वोक किया गया, और अनप्रेसिडेंट हुआ
कि फॉर्मर DGISC या फॉर्मर जनरल को पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो ट्राई किया जा रहा है। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर 9th मई के अंदर क्रॉबोरेटिव एविडेंस आती है कि जिसके अंदर ये है कि आपने रियासत के खिलाफ काम किया है, या 2T1 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फौज के अंदर एक म्यूटिनी करना चाह रहे हैं या फौज के अंदर जो है आप बगावत करना चाह रहे हैं, ये ज्यादा सीरियस चार्ज आपको डेफिनेटली जो है ये तो फिर बहुत एक नेक्स्ट लेवल का चार्ज डेफिनेटली असिस्ट जी जी उसके लिए फहद आपको डेफिनेटली असिस्टेंस की जरूरत होती है और ये सिंगल एक्शन नहीं होता। अच्छा, अगर उसके अंदर ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पे चली जाती है तो जितने भी शख्स इस सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर या इस कोऑर्डिनेशन वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अच्छा मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे थोड़ा सा मजीद वजाहत से बात करता हूँ, जरा मैं साथ साथ जो है वो डॉक्टर कमर चीमा को भी इन्वॉल्व करूँ। डॉक्टर साहब ये जो अभी जो बात कर रहे हैं हाफिज साहब, सेकंड वाला जो मामला है जिसमें May 9th का जिक्र किया, अच्छा शुरू के तो चार्जेस हैं उसमें तो उन्होंने कह दिया कि जी ये चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, ये जो दूसरा वाला है उसमें कहा जा रहा है कि इनके मुलव्वस होने के हवाले से तफ्तीश जारी है, यानी इससे जो मुझे समझ आ रही डॉक्टर साहब वो ये है कि ये फिर बाकायदा तौर पर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अगर उसमें से कुछ सब्सटेंटिव चीज निकली तो फिर चार्ज फ्रेम होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर इस वक्त इसका इस प्रेस रिलीज में जिक्र करने की जरूरत क्यों पेश आई आपके ख्याल में? देखिए मेरा ख्याल है कि एक हिस्सा तो कंप्लीट है, दूसरे हिस्से पे काम हो रहा है। आई थिंक दिस इज व्हाट हाफिज साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं कि एक हिस्सा हमने कर लिया, दूसरा हिस्सा जो है वो 9 मई के हवाले से। सो क्योंकि 9 मई को बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज किया गया है, 9 मई को बहुत ज्यादा क्योंकि लोअर कोर्ट्स ने अभी तक वो जो सजाएं देनी थी वो भी नहीं दी, तो बेसिकली ये जो तासर दिया जा रहा था कि नहीं ये सारी पॉलिटिकल गेम है, मेरा ख्याल है उस तासर को भी जायल करना जरूरी है ताकि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा एक काम जाना चाहिए कि आप किस लाइन लेंथ पे काम कर रहे हैं और सजाएं क्यों तेज नहीं दे रहे। अगर फौजी अदालतें सजाएं तेज दे सकती हैं तो आपको भी चाहिए दे ताकि वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। लेकिन फाज साहब मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये चीज़ समझता हूँ कि ये जो फैज़ हमीद साहब वाला एपिसोड और ये तहरीक इंसाफ वाला एपिसोड है, दो बड़े काम पिछले 20 सालों में फौज और मुल्क के खिलाफ हुए हैं। एक ये हुआ है रियासत के खिलाफ हुए हैं, एक तो ये है कि जब दहशतगर्दी की जंग हुई शुरू हुई तो पाकिस्तान की फौज और अवाम ने मिल के उस जंग को लड़ा और हमने देखा कि दुनिया में हमारा मुकाम बना, ना हम सीरिया बने, ना इराक बने, ना लेबनान, ना यमन। डॉक्टर साहब कतना कलाबी माफ, मैं बीच में एक चीज बिल्कुल आपकी मैं पॉइंट आपका मुकम्मल होने दूंगा, सिर्फ मुझे ये बता दें कि मैं जरा ये जो हम बात करें सेकंड वाला जिसमें लिखा ना कि तफ्तीश इन पे तफ्तीश जारी है, उसके बाद जो ये जुमला है डॉक्टर साहब मैं जरा थोड़ा इसकी तशरीह चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रेस रिलीज जब आती है आप मेरे से बेहतर जानते हैं तो एक एक लफ्ज़ के ऊपर बहस होती है, क्योंकि हर कॉन्टेक्स्ट से उसको जो है वो वाटर टाइट बनाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब जब भी दारा जारी करता है, तो जाहिर बात है हर लफ्ज़ के ऊपर जो है वो सोच समझ के ये लिखा गया है। ये जो लाइन लिखी है कि इन पर पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाकियात में 9 मई से जुड़े वाकियात भी शामिल तफ्तीश हैं, ये बिल्कुल 9 मई का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर ये कहते हैं कि इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाकियात ने मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है, विच मीन्स के बाकायदा तौर पर इदारा ये कह रहा है कि जी हमारे पास वो ये लिंकेज मौजूद है कि 9 मई जनरल फैज हमीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत, ये डायरेक्ट लिंकेज इस्टेब्लिश हो रहा है ये मेंशन जो कर रहे हैं प्रेस रिलीज में। फिर फाज साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो जो मैं अगर अपना सेंटेंस कंप्लीट करूं मैं आपके पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, पहला तो हमने रियासत और फौज और अवाम ने काउंटर टेररिज्म का जो लड़ा, दूसरा एक पॉलिटिकल डिसरप्शन एंड सोसाइटियल डिसरप्शन जो है वो 9 मई को हुई जिसमें फौज के अंदर जो बगावत करवाने की कोशिश की गई वो एक चीज है जिसको जारी बात है उसको रोका गया है। जो आप बात कर रहे हैं देखिए जो अगर आप जरा चले जाएं उस गिल साहब की उस स्टेटमेंट के ऊपर कि जिस पे वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि लोअर ऑफिसर्स जो हैं लोअर रैंक के ऑफिसर्स सीनियर्स की बात ना माने, अगर वो बात आईन और कानून के मुताबिक नहीं है तो ना माने, तो इसका मतलब ये है कि फैज हमीद साहब बेसिकली बहुत सारी चीजें इंजेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल सीनियर ऑफिसर्स का नाम लेके तनकीद करना, पर्टिकुलर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या दफ्तरों या घरों पे जाके हमले करना,
ये बेसिकली वो एक इंटरनल खिचड़ी पक रही थी जिसको शायद उस वक्त जो है वो अनर्थ नहीं किया जा सका। सो वो ये समझते हैं कि ये दोनों तरफ चीजें चल रही थी, वो समझते थे कि जो हमें एडवाइस फैज अमीद से आ रही है, लेकिन इसमें ये सारी बातें बड़ी तफसील से हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि बार पर ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है तो जाहिर बात है हाफिज साहब, मेरे ख्याल में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लिंकेज यहाँ पे इस जुमले में इस्टेब्लिश किया जा रहा है वो तभी होगा, वो बाकायदा प्रेस रिलीज का हिस्सा तभी बनेगा जब इदारा इतना कॉन्फिडेंट हो कि उनके पास जो है वो तमाम तर मटीरियल शवाहिद एविडेंस मौजूद है जिसके ज़रिए वो इस जुमले को बाकायदा तौर पर साबित कर सकें। अगर ये सबूत उनके पास हैं तो क्या ये अज्यूम करना दुरुस्त होगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत बशमूल इमरान खान साहब खुद अब इस दायरा कार में आएंगे और उनका जो डायरेक्ट लिंकेज है फैज अमीद साहब से वो इस्टेब्लिश होगा तो वो भी इसी मिलिट्री कोर्ट्स का जो तमाम तर जो प्रोसीजर है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? अच्छा फहद, एक तो चीज़ ये है कि जिस 9 मई के इंसिडेंट की तरफ आपने इशारा किया है उसके सर्टन फैक्ट्स को अगर आप लीड करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर एक मैसिव रिएक्शन पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ और वो रिएक्शन पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर था। और उसके बाद ये है कि आपकी शहदा की यादगारें जो थी जिनको डिसरिस्पेक्ट किया गया, अब ये है कि एक ये चीज़ डेफिनेटली चल रही थी कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है क्या है कि कौन से ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस चीज़ को मोटिवेट किया कि आपने उस जगह पे जाना है और वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। अब दूसरी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 9 मई के अंदर जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे जाया जाता है तो मिलिट्री को भी ये पता है कि मामला जो है अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ये मामला मिलिट्री कोर्ट से निकल के पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा इन अपील्स की सूरत के अंदर और हमें वो एविडेंस लेके आनी चाहिए कि जिस एविडेंस के अंदर सब्सटेंशिएटिव भी हो और जो क्रेडिबल किस्म की आए, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो हेयर से के ऊपर या आप जो है प्रिजम्पशन बेसिस के ऊपर आप उसको करें। लिहाजा दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री कोर्ट का एक प्रोसेस है, अगर आप उसको देखें तो आपको याद होगा कि जब गुलभूषण का भी मामला आया था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के प्रोसेस को नल एंड वॉइड नहीं किया था और उन्होंने सिर्फ कोर्ट ऑफ अपील का कहा था कि एक इसे राइट दे एक्सटर्नल जो है, और वो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने बनाया लेकिन उसको नहीं गए। तो इसके अंदर यह है कि अगर वो चीज़ ऐसी सामने आती है कि जिसके अंदर एक कोराबोरेटिव एविडेंस इस चीज़ के अंदर है और कई लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उसके अंदर फिर ये है कि पहला काम इस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सेक्शन 73 के नीचे जो है उन सारों की कस्टडी आएगा, और जब उनकी कस्टडी आ जाएगा तो उस कस्टडी के बाद फिर जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा सेक्शन 105 से लेके 118 तक, और उसकी अगर सेंटेंस होती है तो कंफर्मेशन आती है। तो मैं ये समझता ये हूं कि ये ऐसा मामला है कि जिसके अंदर चीजें जो है वो सब्सटेंशिएट होंगी तो प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस बनाएगी। मेरा भी ख्याल कि इसके अंदर जो है बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है डॉक्टर चीमा, कि ये जो एविडेंस सामने आना वो अल्टीमेटली क्योंकि अपील जाएंगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तमाम तर जो सबूत हैं एविडेंस है दैट हैज़ टू होल्ड इन द सिविलियन कोर्ट्स, वहाँ पे तो बाकायदा क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, दूसरी तरफ का डिफेंस लॉयर भी होगा। तो ये प्रेस रिलीज क्या आपको ये सिग्नल कर रही है कि वो तमाम तर सॉलिड एविडेंस उनके पास इतना आ गया है, इतने लिंकेजेस उनको मिल चुके हैं कि वो उसको बाकायदा तहरीरी तौर पर जो है वो पब्लिकली कह रहे हैं, और उसके कहने से हम ये भी अज्यूम करें कि वो अल्टीमेटली सिविल कोर्ट्स में भी अपने केस जीतने के लिए पुरेतमाद हैं, ये हम अख़्ज़ कर सकते हैं इस प्रेस रिलीज से? देखिए फहद साहब, अगर ठोस शवाहद और सबूत ना होते तो फौज कभी भी अपने एक 3-स्टार एंड DGI को पकड़ के इस पोजीशन में ला के ना खड़ा करती। देखिए इस क्वेश्चन जो है ना वो सारी की सारी आपकी जो फौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसको जब लेजिटिमेट है तो आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। देन डेफिनेटली इसके देखिए हर काम के पॉलिटिकल मीनिंग्स भी होते हैं, तो ये जो प्रेस रिलीज की आप बात कर रहे हैं और उसमें लिखा भी हुआ है कि इसका मतलब ये है कि ये इन्वॉल्व थे 9 मई के फैसलों में, सो इट मींस कि ये सिर्फ एक तो लीगल एविडेंस मौजूद है, दूसरी वो एविडेंस जारी बात है कहीं भी शो भी की जाएगी, इसकी बुनियाद पर सजा भी मिलेगी। PTI should be worried then, डॉक्टर साहब। PTI को आज परेशान होना चाहिए।
डेफिनेटली परेशान है कि अगले दिन ये जो बातें की जा रही थी जी कि खान साहब रिहा हो रहे हैं, जो फौज अपने 3-स्टार जनरल को जो है वो माफ नहीं कर रही, वो किस डील के तहत जो है इमरान खान को रिहा कर देंगे, ये सारी की सारी ये पॉलिटिकल बातें चलती रहती है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी सीरियस जो आज हुआ है। जी बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, डॉक्टर कमर शीमा अहमद, हाफिज एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन करे थे। नाज़रीन बहुत हद तक चीज़ें यहाँ तक तो क्लियर हो गई हैं कि अब जो जो लिंकेज जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, बड़े अरसे से जो यानी सरगोशियाँ हो रही थी कि फैज़ अमीन साहब की किधर इन्वॉल्वमेंट है, कैसे है, 9 मई को क्या हुआ था, अब लगता यूँ है कि अब वो तमाम तर कड़ियाँ आपस में मिलती जा रही हैं और जो जो भी सबूत हैं वो सामने आएंगे और जो पॉलिटिकल कनेक्शन था या जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी फैज़ अमीन साहब की, वो भी अब ऑब्वियसली इससे इस्टेब्लिश हो गई है और उस वो जो जो उनका कनेक्ट था, पॉलिटिकल कनेक्ट था, उसमें जो दूसरी साइड पे लोग थे, अब जाहिर बात है कि वो इस प्रेस रिलीज से लगता यूँ है कि अब वो भी जो है वो जो ये प्रोसेस है उसका हिस्सा जल्द बन जाएंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। जब वापस आएंगे तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर क्या हुकूमत और मौलाना की बात मान गई है, ये हमें बताएंगे JUI के हाफिज हमदुल्ला। और शो के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर आ गई है या बात अभी हवा में है। जनरल फैज़ अमीद की चार्जशीट और तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुज़ाकरात की खबरों के अलावा एक और मामला भी गर्म है जो आगे चलकर हुकूमत के लिए मजीद दर्द सर बन सकता है। नाज़रीन वो है मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान की नाराजगी। एक तरफ मौलाना फजल रहमान की JUI है तो दूसरी तरफ हुकूमत की सपोर्ट में दूसरे मकातब फिक्र के उलमा सामने आ गए। हाफिज ताहिर अशरफी ने आज एक बयान में कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत को मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। 15 बोर्ड में से 10 से जायद वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में हैं, जबकि मुल्क में 18,000 से जायद मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। मदारिस की आज़ादी और निसाब के मामले पर किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। के मुल्क के अंदर 15 बोर्ड हैं, उनमें से 11 से 12 बोर्ड और क्लियरली 10 बोर्ड एक तरफ खड़े हैं कि मदारिस को वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होना चाहिए और 18,600 मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं वजारत तालीम के साथ। ये जो कोशिश की गई कि जो मदारिस वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए और तमाम जो निज़ाम है वो दोबारा वजारत सनत से मुंसलिक कर दिया जाए, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ना ऐसा होगा। JUI के सेनेटर कमरान मुर्तजा से जब हुकूमत और उलमा के मौके पर बात की गई तो उन्होंने हाफिज ताहिर अशरफी पर तनकीद की और कहा कि ताहिर अशरफी हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हुकूमत जिस तरह चाहे उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। जो हमारे खिलाफ कोई इजलास बुलवाया जाए क्या वो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है? वैसे भी ताहिर अशरफी साहब तो हमारे दोस्त हैं और वो हुकूमत उनको बुलवा लेती है, बल्कि हर हुकूमत उनको बुलवा लेती है, हर हुकूमत के लिए उनकी खिदमत हाजिर होती है। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे, मासवा इसके कि हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं, शायद ये आपके भी मफाद में हो जो कुछ हम कर रहे हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दस्तखत ना किए जाने पर JUI और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बदस्तूर कायम हैं, जबकि हुकूमत रवां साल अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पास कराने के लिए पहले मौलाना का मदारिस से मुतालिक बिल पार्लियामेंट से पास करा चुकी है। अब बात सिर्फ सदर के दस्तखत पर रुक गई है। मौलाना फजल रहमान इस मामले पर लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे रहे हैं, हुकूमत इस मामले को ईजी ना ले, JUIF की अगर बात ना मानी गई तो आज नहीं तो कल इस्लामाबाद के रिहायशियों को एक और मार्च का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन इसी मामले पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं JUIF के मरकजी रहनुमा जनाब हाफिज हमदुल्ला साहब। जी हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाफिज साहब, ये जो मामला एक तनाज़ा खड़ा हो गया है मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, मैं इस पर भी ज़रा आपसे बात करूँगा, लेकिन पहले मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताइए कि जिस तरीके से ये इशू खड़ा हुआ है उससे पहले फैसल वाडा साहब आए आपके साथ, जमात के साथ मुलाकात की, वो पीपल्स पार्टी से भी मिल रहे हैं, वो MQM से भी मिल रहे हैं, तो ये एक तासर ये डेवलप हो रहा है हाफिज़ साहब कि हुकूमत के खिलाफ जो है वो कुछ एक महाज बन रहा है, क्योंकि फैसल वाडा साहब तो बड़ी खुल कर बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इससे ये काम ठीक नहीं हो रहा। तो क्या JUIF जो है वो इस हवाले से
कुछ यानी मुजाकरात कर रही है, कोई बात वगैरह हो रही है कि एक एंटी गवर्नमेंट महाज बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फाद भाई। देखिए फाद भाई, बात यह है, फैसल वाडा साहब हमारे भाई भी है और दोस्त भी है, हमारे लिए मोहतरम भी है, लेकिन ये न आपको मालूम है न मुझे मालूम है कि वो उनका ताल्लुक किस सियासी पार्टी से है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में एक मुतबादल गवर्नमेंट के लिए, एक मुतबादल महाज के लिए और फैसल वाडा साहब की तकदो कहाँ तक ये नतीजा दे सकेगी, क्योंकि फैसल वाडा साहब बस उनकी पार्टी हो या ना हो, उनकी इंफराजी हैसियत हो, जो भी नाम आप देते हैं, बस यही एक फैसल वाडा साहब है। अब एक फैसल वाडा साहब के कहने पर न महाज बन सकती है, न महाज बनेगी, न जमीयत उलमा इस्लाम एक ऐसी पार्टी है, उनकी एक सतसाला जद्दोजहद तहरीक जमहूरियत के लिए भी आइन बनाने में उनका एक किरदार है, डिक्टेटरशिप और आमिरियत के ख़िलाफ़ उनकी एक दास्तान है। लिहाजा फैसल वाडा साहब आए, मौलाना साहब के साथ मुलाकात किया, मुलाकात के अलावा और कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमने एक सियासी महाज बनाना है, हम एक नई महाज तश्कील देना है, एक नई महाज की तश्कील की तरफ जा रहे हैं, मौलाना साहब आपका मशवरा क्या होगा? तो ये तमाम तर जो बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर फिर यही जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल है, सिर्फ उसी नुक्ते पर बात हो रही है, कोई मजमूई तौर पर कोई सियासी जो जो एक सूरत हाल है उस पर कोई हम आहंगी के हवाले से बात नहीं हो रही? जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, फैसल वाडा साहब भाई का तो मैंने बता दिया, बिलावल साहब वाकई इसी मकसद के लिए आए थे, जब मौलाना साहब ने ये महसूस किया कि ऐवान सदर में डेढ़ महीने से बाकी तमाम तरामीम पे उन्होंने दस्तखत कर दिए, तमाम कवानीन पर जो मुतनाज़ा थे उस पर भी सदर साहब ने दस्तखत कर दिए, लेकिन दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल उनके सामने है उनको वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं। तो सकर के जलसे में मौलाना साहब ने कहा कि 8 दिसंबर को पेशावर में हमारा जलसा होगा, एक अजीम मुश्तान इज्तिमा और मिलियन मार्च होगी, तो अगर उस वक्त तक ये दस्तखत नहीं हुआ तो फिर हम अपना लाएहमल ऐलान करेंगे। तो वो तो नहीं तो हुआ, इसके बाद फिर बिलावल साहब आए मौलाना साहब के पास, यही हाँ तो मैं आ रहा हूँ, बिलावल साहब आए यकीन दहानी देने के लिए कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा जिस तरह पास हुआ है, लेकिन अगले दिन वो नहीं हुआ बल्कि सदर साहब ने एतराज़ लगा कर उनको मुस्तरद किया। मौलाना साहब ने 8 दिसंबर को पेशावर में हतमी ऐलान करना था, मौलाना साहब ने हतमी ऐलान करना था, लेकिन तंजीमात इत्तेहाद वफाक और मदारिस के सदर मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने फ़ोन पर राबिता किया कि आप चंद दिन के लिए अपना ऐलान मुअख्खर कर लें, हम 17 दिसंबर को इंशाल्लाह ये तमाम तंजीमात इत्तेहाद मदारिस बैठेंगे और एक बैठक होगी, उसके बाद हम अपना लाएअमल ऐलान करेंगे, फिर आप जो भी लाएअमल ऐलान करेंगे जो अपने तरीके से अपने हिकमत अमली के मुताबिक ऐलान करें। लेकिन हाफिज साहब, अब इस वक्त तक अगर आप हुकूमत की जो रद्देमल आ रहा है वो आप भी देख रहे हैं, वुजरा भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, फिर वो उलमाए कराम को भी अपने साथ बैठा के बात कर रहे हैं, आज हाफिज़ ताहिर अशरफी का भी बड़ा यानी कि सख्त किस्म का बयान आ गया, तो हुकूमत की तरफ से तो हाफिज साहब अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा यानी इंडिकेशन नहीं है कि वो लचक दिखाने के लिए तैयार है। मौलाना साहब ने एक मुतालबा सामने रखा कि यह मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल 2023 में जब PDM की हुकूमत थी उस वक्त भी ये असम्बली फोर फ्लोर पे आया, 2-3 ख्वानदगी भी हुई, फिर रोक लिया गया, क्यों ना हम उसको भी इसके साथ वो भी मंजूर कर ले, वो भी पास करे, हुकूमत ने भी इत्तेफाक़ किया, हुकूमती पार्टियों ने इत्तेफाक़ किया, तो लिहाजा ये बिल हमारा नहीं था, ये बिल हुकूमत का हुकूमत की तरफ से था, लेकिन मुतालबा हमारा था, फिर असम्बली से भी पास हुआ, सीनेट से भी पास हुआ। हाफिज साहब, अब क्या करना है, सवाल तो बड़ा ये है, अब क्या करेंगे? देखिए अब हमारा मुतालबा यही है, अब 17 दिसंबर तक हम इंतज़ार करेंगे तंजीमात इत्तेहाद मदारिस, जो 5 तंजीमात है या 6 है, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब उनकी सदर है, मुफ्ती मुनीबुररहमान साहब उनके जनरल सेक्रेटरी है, वो अपना फैसला करेगी, हम उसकी खातिर हम मौलाना साहब ने ऐलान नहीं किया जो हतमी ऐलान उन्होंने करना था, हम उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे, हुकूमत से भी हमारा मुतालबा यही है। लॉन्ग मार्च का जो जिक्र किया है कि इस्लामाबाद आएंगे धरना देंगे,
अब यानी कि अभी जो कुछ हुआ, अभी 26 नवंबर को जिस तरीके से वो सारा मामला हुआ, वो हम सबके सामने है, तो आपके ख्याल में ये इस हद तक जाने के लिए तैयार है? देखिए, हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं ना, ये टकराव और तसादुम, ये लड़ाव और उलमा को उलमा के साथ लड़वाना, ये कौन कर रहा है? ये तो हुकूमत कर रही है। पहले हुकूमत कहा करते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, हम नहीं है। अभी हुकूमत खुद फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, हुकूमत खुद कहते हैं कि इसमें ये कमज़ोरियाँ हैं। तो जब कमज़ोरियाँ हैं तो पहले दिन क्यों नहीं करते? तो लिहाजा हम इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा जंग की जो सूरत हाल है, इंतशार के जो सूरत हाल है, माहौल ख़राब करने का जो सूरत हाल है, इस सब का जिम्मेदार हुकूमत है। पार्लियामेंट ने एक चीज़ पास किया है, दोनों ऐवानों ने पास किया है, तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया है। हुकूमत पार्लियामेंट को नहीं मान रहे। मैं जोर दे रहा हूँ कि पार्लियामेंट के फैसले को तस्लीम कर लो जो आपने फैसला किया है, सीनेट के फैसले को तस्लीम कर लो जो आपने फैसला किया है। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूँ कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का, पार्लियामेंट की वकार का, आपके अपने फैसले की वकार का, आपने अपने सरकारी बिल की वकार का, जब आप नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे इंतजार की, आप मुझे एहतजाज की तरफ ले जा रहे हैं। जी हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर दोनों पार्लियामेंट्स के जरिए पास करवाया है, अब अपने ही पास कराए बिल के ऊपर जो है वो इनको सेकंड थॉट्स हो रही है। ठीक है, हो सकता है वो जेन्युइन उसमें एलिमेंट्स हों, एक्चुअली उसमें इस तरह के मामलात हों जो इफेक्ट करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मफादात को, लेकिन ये पहले करना चाहिए था। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का, वापस आकर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान क्या वाकई में कोई बर्फ़ पिघल रही है या तनाव जू का तू बरकरार है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सियासी महाज पर मुज़ाकरात की बातें और खबरें फिर से गर्म हैं। एक तरफ हुकूमत के वज़रा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर तनकीद के तीर बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बातों से कहीं ना कहीं ये तासर मिलता है कि पसे पर्दा कोई ना कोई बात चल रही है। तहरीक इंसाफ पहले ही मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर चुकी है और मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी भी दे चुकी है। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान ने कल हमारे ही शो में कहा कि बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। Onus is on government now. बॉल उनके कोर्ट में है। हमेशा राणा सनाउल्लाह साहब या उनकी जमात के और लोग ये बात कर देते हैं कि पोजीशन जो है खान साहब में है या तहरीक इंसाफ बात नहीं करती, ये पॉलिटिकली इंगेज नहीं करते। उन्हें पॉलिटिकल कमेटी बना दी, आप इंगेज कीजिए। बैरिस्टर गौहर ने भी आज कहा कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत ने अब तक कोई राबता नहीं किया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत की जानिब से कोई राबता हुआ है, बातचीत अभी नहीं चल रही, लेकिन हमने अपने तरफ से तो कमेटी खान साहब ने बनाई है। तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दे रही है तो दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक इंसाफ की धमकियां जो हैं वो भी सुनने को आ रही हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने आज काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिविल नाफरमानी से बढ़ कर और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है, अवाम माजी की तरह इस बार भी तहरीक को नाकाम बनाएंगे, ये कहा वज़ीर आज़म ने। हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी रिकॉर्ड हाई हैं इस महीने में, और ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। इसके बावजूद भी जो पीछे एक बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये रेमिटेंसेस हमारी बड़ी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा पाकिस्तान ज़रूर अपना मकाम हासिल करेगा। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दो टोक अल्फाज में दावा किया कि उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो बुरी तरह नाकाम होगी। आज से 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी और कंटेनर पे खड़े होकर बानी पीटीआई ने खुद जो है मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स को जो है आग लगाई थी और लोगों को कहा था कि यूटिलिटी बिल्स ना देना, किसी ने उनकी कॉल के ऊपर जो है लबैक ना कहा, लोगों ने यूटिलिटी बिल्स भी दिए। आज भी मेरा चैलेंज है इनको, अल्लाह के फजल से इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मुतालबात में सबसे पहले बानी पीटीआई की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई शामिल है, जबकि पीटीआई ये भी मुतालबा कर रही है कि 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि हुकूमत ने भी मुज़ाकराती कमेटी की फॉर्मेशन मुकम्मल की है, अगर पीटीआई सियासी कैदियों की लिस्ट हमें दे उस पे बात हो सकती है। कि अभी तक बारहा दफा हमने मुज़ाकरात की पेशकश की है तो अब हम ये नहीं हो सकता कि हम इससे पीछे हट जाएं। हाँ, उसके टीओआर्स तय जरूर होने हैं और डिस्कशन जरूर होनी है। हमारी कुछ जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें हमारी तरफ से भी एक कमेटी की फॉर्मेशन है और बिल्कुल हम एंगेज करेंगे इनके साथ। बानी पीटीआई की रिहाई तो दूर दूर तक मुमकिन दिखाई नहीं देती, जबकि 26वीं तरमीम और 8 फरवरी के इलेक्शन मैंडेट जैसे मुतालबात भी हुकूमत के लिए नामुमकिन है।
इसलिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी कैदियों की रिहाई जो है उसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी जो है वो शायद वहाँ पर पैदा हो सके। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा ज़्यादातर 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत हैं। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद वगैरह 9 मई के जलाओ घेराव के केसेस में गिरफ्तार हैं, जबकि तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत के बाद इमरान खान को 6 नए मुकदमात में रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ। उधर GHQ हमला केस में अदालत ने इमरान खान समेत दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर रखी। दूसरी तरफ नाज़रीन 9 मई के वाकयात में 105 अफराद जो हैं वो उनके मुकदमात फौजी अदालतों में भिजवाए गए हैं। इनमें से अब तक 20 अफराद को सज़ा मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा चुका है, जबकि बाकियों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जारी फौजी अदालत से मुतल्लिक केस की वजह से ताखीर का शिकार है। नाज़रीन 85 अफराद इस वक्त ऐसे हैं जो फौज की तहवील में हैं और उन पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा जारी हैं। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया जिसमें 105 शहरियों के मिलिट्री ट्रायल को आईन के खिलाफ करार दिया। इस फैसले को वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया, बाद में 5-1 की अक्सरियत से यह फैसला मुअत्तल किया गया। 18 अप्रैल 2024 को हुकूमत ने अदालत को आगाह किया कि 9 मई वाकयात में मुलविस 20 अफराद को सजा मुकम्मल होने पर रिहा कर दिया गया है। 28 मई को सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अपने 13 दिसंबर 2023 के हुक्मनामे में तरमीम की जिसमें हिदायत जारी की गई कि फौजी अदालतें ट्रायल शुरू कर सकती हैं लेकिन वो अभी हतमी फैसला नहीं सुनाएंगे। नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक इन दरखास्तों पर आईनी बेंच आजकल समाअत कर रहा है। इसका क्या नतीजा निकलता है ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है कि इन कैदियों की रिहाई के लिए PTI को हुकूमत के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज करना पड़ेगा, जबकि ये मामला सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होने वाले नहीं हैं क्योंकि इसमें अदालतों का भी बड़ा किरदार है और अदालतों के ज़रिए ही इन केसेस को ख़त्म किया जा सकता है या जमानतें मिल सकती हैं। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।